नमस्कार, मुकुस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नींबू के खट्टे अचार की रेसिपी। ये बहुत ही चटपटा बनके तैयार होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसमें हम तेल का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नींबू से ही इसका अचार तैयार करेंगे। देखिए, देखने में ही ये कितना स्वादिष्ट नज़र आ रहा है, खाने में तो ये और भी स्वादिष्ट है। आपको अगर आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो नींबू लिया है, इसे मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है। अब नींबू को गोल गोल काट लेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए, नींबू को हमने इतना मोटा रखना है। अब इन नींबूओं में से हम 2 नींबूओं का रस निकाल के रख लेंगे और जो इनका बाहर का कवर है उन्हें भी हम अचार में यूज कर लेंगे। अब सारे नींबूओं को इसी तरह से गोल गोल काट के तैयार कर लेंगे। अब मैंने ये सारे नींबू काट लिए हैं, अब इनका मसाला तैयार करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और उसी में मैंने 8-10 लौंग भी ली हैं, 2 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, 1.5 चम्मच मैंने काला नमक लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक लिया है। नमक अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप नमक थोड़ा और भी डाल सकते हैं, और 2 चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अब एक पैन लेंगे और जो हमने खड़े मसाले लिए थे, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और लौंग, इनको थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए लगभग 1 मिनट के करीब हुआ है और ये अच्छे से भुन गए हैं। इनसे खुशबू भी आने लग गई है और ये थोड़ा उछलने भी लग गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है, इसे एक मिक्सिंग जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। बारीक नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा पीसना है। अब ये मसाला हमारा पिस गया है, देखिए इसे मैंने बारीक नहीं किया है। अब इसमें और बाकी सारे मसाले मिला लेंगे। अब मसाला हमारा तैयार है। अब जो हमने नींबू काटे थे उन्हें एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी इसमें मिला लेंगे। और साथ ही जो हमने नींबू का रस निकाल के रखा था वो भी इसमें मिला लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब मसाला नींबू में अच्छे से मिल गया है, इसे हम एक कांच के बर्तन में भर लेंगे। और जो इसमें नींबू का रस बचा है उसे भी इसी में मिला लेंगे। ये देखिए, सारा अचार मैंने कांच की शीशी में भर लिया है। अब अचार को ढककर हम 10 से 15 दिनों तक धूप में रखेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। 15 दिन तक मैंने अचार को धूप में रखा था और अब अचार मेरा बनके बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से अचार तैयार हुआ है। देखिए अचार कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ है। जो मैंने इसमें नींबू का रस डाला था उसके कारण ये गीला गीला सा बना है, सूखा नहीं है। कुछ लोग खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो इसमें 1/2 कटोरी चीनी डाल के इसे धूप में 3-4 दिन तक रखें तो ये खट्टा मीठा अचार आपका बनके तैयार हो जाएगा। बस अचार बनाते हुए आपको ध्यान ये रखना है, आपके अचार में पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जो भी आप बर्तन यूज़ करेंगे उसमें पानी नहीं होना चाहिए तो आपका अचार काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहेगा। आप इस अचार को इसी तरह कांच की बोतल में रख के साल भर तक यूज़ कर सकते हैं, बस आपको बीच बीच में इसको हिलाते रहना पड़ेगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।